Ignited Minds Tutorials is an online platform dedicated to providing educational resources for students. Recently, they have uploaded a series of videos on the topic of federalism for Class X CBSE SST. Federalism is a crucial concept in the field of social sciences, focusing on the division of power between central and regional governments. These videos aim to provide a comprehensive understanding of this topic to the students. In these videos, the experts at Ignited Minds Tutorials explain the basic principles of federalism, such as the importance of a written constitution and the presence of two levels of government. They also discuss the advantages of federalism, including effective governance and protection of minority rights. Additionally, the videos shed light on how federalism works in the Indian context, highlighting the roles and responsibilities of the central government and the state governments. The tutorials provide in-depth knowledge through clear explanations, diagrams, and examples. The students can learn about different types of federalism, such as dual federalism and cooperative federalism. They also explore the challenges and debates associated with federalism, such as the issues of taxation and resource sharing. With these videos, Ignited Minds Tutorials aims to ignite the minds of Class X CBSE SST students, helping them grasp the intricacies of federalism through engaging and informative content. These resources will undoubtedly enhance their understanding and pave the way for academic success. कॉन्स्टिट्यूशन ने ये विवाद ही खत्म कर दिया भाई साहब. कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि ये तुम्हारे दायरे हैं, अपना अपना काम संभालो. ठीक है, ओके. यूनियन गवर्नमेंट, तो यूनियन गवर्नमेंट भाई साहब किसको रिपोर्ट? यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, एंड देन वी हैव लोकल गवर्नमेंट. दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. मतलब ये सारे जो हैं एग्जिस्टेंस, कोई इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता. कल को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा भाई साहब कोई यूनियन गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ठीक है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं रहेगा, खत्म करो, ऐसा नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी गारंटी ली है. ठीक है, एंड अथॉरिटी, ये उनकी अथॉरिटी है. ठीक है, ये उनका दायरा है. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड. द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. तो ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स या पॉलिसीज को चेंज कर सकता है, और ना ही यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स या पॉलिसीज पे कोई हस्तक्षेप कर सकता है. ठीक है, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो कोई भी चेंज लाना हो तो दोनों का, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, दोनों का कंसेंट जरूरी है. ठीक है, बोथ शुड बी अग्रीइंग टू इट. Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. किसी भी government को चलाने के लिए पहला चीज जो लगेगा वो है पैसा, और ये पैसा कहाँ से आएगा? लोगों से आएगा, टैक्स से आएगा. ठीक है, तो constitution ने बड़े ही specific तरीके से ये निर्धारित कर दिया है कि जो पैसा है लोगों का वो कैसे बटेगा. ठीक है, स्टेट का टैक्स क्या क्या होगा और भाई साहब सेंट्रल लेवल पे टैक्स क्या क्या होगा, ये क्लियरली निर्धारित है. स्टेट टैक्स का एक एग्जांपल दे सकते हैं, और सेंट्रल लेवल पे जो टैक्स आप पे करते हैं उसका एग्जांपल दीजिए. हाँ, जीएसटी आपका एप्लीकेबल है. ठीक है, जीएसटी जो है वो आपका सेंट्रल लेवल पे है, और स्टेट लेवल पे एक टैक्स, हाँ, ओके, पेट्रोल पे वैट लगता है, और स्टेट लेवल पे एक टैक्स जो आप पे करते हैं. आप जब कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन पड़ना पड़ता है, ये रजिस्ट्रेशन जो है आपके स्टेट लेवल का टैक्स है. आपके घरों में एक प्रॉपर्टी टैक्स का पेपर आया रहेगा, देखो, जिसके लिए काफ़ी विवाद चल रहा है. तो ये प्रॉपर्टी टैक्स भी आपका किसका है? स्टेट का है. ठीक है, सो दीज आर स्टेट ओन टैक्सेस. तो स्टेट का टैक्स और सेंट्रल लेवल का टैक्स दोनों भी अलग अलग है, बोथ आर डिफरेंट. ठीक है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इज फाइनेंशियल अथॉरिटी. कोर्ट्स हैव द पावर, ठीक है, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. तो कोर्ट के पास भाई साहब पावर है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कोर्ट्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. और हाइएस्ट कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के पास भाई साहब ये अथॉरिटी है कि अगर
कभी डिस्प्यूट हुआ, अगर कोई हस्तक्षेप हुआ या अगर कोई क्वेश्चनिंग हुई या अगर कोई मतभेद हुआ बिटवीन दीज टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो सुप्रीम कोर्ट विल गिव द फाइनल डिसीजन ऑन द सेम. ठीक है, ओके. सो द हाइएस्ट कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट acts as an empire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. कोई मुद्दा है जिसमें दोनों का clash हो रहा है, ठीक है. For example, एक मुद्दा कुछ अगर आप ऐसा मुद्दा है जिसमें clash हो रहा है, हाँ, women reserve seats, ये कोई मुद्दा नहीं है. देखिए मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि इतने seats women के लिए reserved हैं, तो that cannot be पहली बात तो इतने seats reserved हैं, चाहिए इतने लोग वुमेन से आए इन सीट्स पे, तो वो मुद्दा नहीं है झमेला का. जैसे हाँ हाँ नहीं, वो मुद्दा भी नहीं है ऐसा जहाँ पे दोनों का क्लैश हो रहा हो. जैसे अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है वहाँ से काफ़ी लोग बांग्लादेशी लोग एंटर कर रहे हैं बहुत सालों से, ठीक है. और यहाँ पे अगर मुझे ये बढ़ाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है भाई साहब यही लोग पूरे भारत में फैल रहे हैं, हमारे भारत का पॉपुलेशन ऐसे ही एक्सप्लोसिव है, ऊपर से अगर रोज ऐसे ही आते रहे तो बढ़ जाएगा. तो इसीलिए इंडिया का सेंट्रल लेवल का गवर्नमेंट और उधर वेस्ट बंगाल लेवल का गवर्नमेंट दोनों में क्लैश है, ठीक है. सो दोनों में क्लैश है क्योंकि ये एक इशू है अभी इसको मैं भाई साहब सेंटर एज अ होल, और ये क्लैश पॉइंट्स हैं. तो कभी कभी मुद्दों का जो निवारण होता है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर होता है, वैसा सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन लेती है उसमें फाइनली, ठीक है. सो दीज आर क्लैशेस दैट हैपन, ठीक है. ओके, द फेडरल सिस्टम हैज दस ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सेव गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. इनका भाई साहब क्या है कि सेव गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. हाउ टू प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री? भाई साहब अगर लोग बटे हुए रहेंगे, बस देखो जब तक आपके सर पे छत है, जब तक खाना खाने को मिल रहा है और जब तक आपको लाइफ के सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, तब तक आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. जिस दिन इन सब चीज़ों में पाबंदियां लग जाएंगी, जिस दिन इन सब चीज़ों में परेशानी हो जाएगी, तो हर दूसरा आदमी आपको दुश्मन दिखेगा. मैं अगर बोल दूँ ना कि वो रस्ते में जो जा रहा है वो आपका दुश्मन है, उसकी वजह से आपकी ये हालत है, आप उसको मारने दौड़ेंगे. ये नेचुरल है किसी भी इंसान के लिए, ये नेचुरल है क्योंकि वो तला हुआ रहेगा भाई साहब, तपा हुआ रहेगा, है ना भाई. परिवार में लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, चलो मैं भूखा हूँ चलेगा, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे बच्चे को खाना नहीं मिल रहा है तो तपा हुआ रहेगा, उसको प्रेरित करना बहुत आसान है, ठीक है. तो अगर आपके किसी स्टेट लेवल पे परेशानियाँ हल नहीं हो रही हैं तो वो स्टेट के लोग तने हुए रहेंगे, वो भाई साहब मरने मारने पर उतर आएंगे बहुत आसानी से. तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपके यू नो विलेज लेवल पे हो, चाहे सिटी लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, सारे मुद्दों का प्रॉपर टाइम पे एड्रेसल हो. और इसीलिए आपके तीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है, ठीक है. तेरे जैसे अगर आप देखोगे बहुत सालों तक जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको ये लगा कि सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया है, ठीक है, सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया है, इनको लगा, और इसीलिए काफ़ी सारा तनाव बना रहा, ठीक है, काफ़ी सारा तनाव बहुत दिनों तक बना रहा, ठीक है. सो ये यूनिट नहीं करने, मतलब लोगों को जोड़ेंगे अगर हम एज अ नेशन. कल को मेरे को खाना नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार को मैं खिला नहीं पा रहा हूँ, पानी का प्रॉब्लम है, घर में रहने का प्रॉब्लम है, ये सब तमाम चीज़ों से सब लोग अगर किसी स्टेट में गुजर रहे होंगे और कल को भाई साहब इंडिया पे अटैक हो गया किसी दूसरे कंट्री का, मुझे क्या करना है इंडिया, वैसे भी मर ही रहा था भाई साहब, अब और मरने का हो गया भाई साहब, ठीक है, ऐसा सोचेंगे ना. पीपल विल यूनाइट व्हेन देयर प्रॉब्लम्स आर रिजॉल्व्ड, व्हेन द बेसिक एमिनिटीज ऑफ लाइफ आर अशोर्ड टू एवरीवन, बेसिक राइट्स आर अशोर्ड टू एवरीवन, देन ओनली दे विल थिंक अबाउट द कंट्री एज अ होल, नॉट बिफोर दैट. कंट्री के लिए तभी सोचेगा ना जब उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो. पर्सनल प्रॉब्लम मतलब ये नहीं कि कोई आपको भाई साहब पैसा दे रहा हो ऐसे ही, मतलब पर्सनल प्रॉब्लम मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स जो गवर्नमेंट सॉल्व कर सके, ठीक है, लेकिन नहीं कर रही है. तो टू सेव गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. जितने आप इफेक्टिवली किसी स्टेट को मैनेज करेंगे उतना रीजनल डाइवर्सिटी को भी आप मैनेज कर पाएंगे, ठीक है. सो दैट इज टू प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी. देयरफॉर टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो अलग अलग गवर्नमेंट्स जो डिफरेंट लेवल्स पे हैं, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और यूनियन या प्रोविंशियल लेवल पे, इन सब को अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पावर को बांटना पड़ेगा. आप बोलेंगे नहीं तुम ये पावर क्यों ले रहे हो, नहीं तुम ये पावर क्यों, ये नहीं चलेगा. फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ एवरी बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड
come to a common conclusion that the power should be shared effectively. Otherwise, there will always be a clash. Okay? On petty issues. Union government, state government or local government में ये mutual understanding होनी चाहिए, rules of power sharing, और constitution ने बड़े समझौते के साथ और बड़े तरकीब के साथ इसको पहले ही बांट रखा है, तो इसमें कोई dispute होना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो, ठीक है, clear है? They should also trust that each would abide, ठीक है, that each would abide by its part of agreement. तो भाई साहब, state, ये local government बोलेंगे कि union government को अपना काम करने दो, ये बोलेंगे आप अपना काम कीजिए, ये बोलेंगे आप अपना काम कीजिए, ठीक है, लेट देम डू देयर वर्क एज पर देयर स्कोप एंड एज पर देयर ज्यूरिसडिक्शन. तो ये एक ट्रस्ट रहना चाहिए, ठीक है, ये एक ट्रस्ट रहना चाहिए. जैसे समझ लो भाई साहब, यू नो, यहाँ पे कोई स्टेट ने कोई स्टेट गवर्नमेंट है और इन्होंने एक नया हाईवे बनाया, ठीक है, लेकिन उस हाईवे का जो पहले से जिस हाईवे से कनेक्टेड था दूसरे स्टेट के साथ, उसको बंद कर दिया गया, तो ये गलत हो गया ना भाई साहब. हम ये ट्रस्ट कर रहे हैं जब ये हाईवे बना रहे हैं तो दूसरे हाईवे से होते हुए लोग इधर आएंगे, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बंद ही कर दिया, लॉक कर बनाओ हाईवे, हम दूसरा हाईवे बनाएंगे. ऐसा अगर करें तो ये ट्रस्ट नहीं हुआ ना. देखो, समझ रहे हो मेरी बात, कि ये यहाँ पे समझ लो महाराष्ट्र है, ठीक है, और महाराष्ट्र में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए समझ लो ये हाईवे आ रहा है गुजरात वगैरह से होते हुए, यहाँ एक हाईवे, हमने एक हाईवे बना दिया, ठीक है, ये हाईवे भाई साहब आगे भी जा रहा है दूसरे स्टेट्स में, तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने हाईवे बनाया बहुत खर्चा करके, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इसी हाईवे को काट देगी. लो भाई साहब, अभी इस हाईवे को ना हम ऐसे टर्न करके लेकर जाएंगे, जैसे डालेंगे नहीं, कर ले जो करना, अगर ऐसा करें, ठीक है, सो देन इट्स अ क्लैश, राइट. यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्चा हुए, और ये करोड़ों रुपए किसके थे भाई साहब, ऑब्वियसली पब्लिक के थे, तो ये हाईवे जो बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को फेवर करने के लिए बनाया गया था, उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा. तो इस तरीके के क्लैशेस, तो मतलब जब मैं कोई हाईवे बना रहा हूँ एज अ स्टेट गवर्नमेंट, आई विल ट्रस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इट इज़ नॉट गोइंग टू कट ऑफ द मेन हाईवे. ऐसे चीज़ें हैं, ठीक है, दीज आर द थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है. सो दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. तो तुम्हारा जो एग्रीमेंट का पार्ट है उससे तुम अबाइड करोगे, ऐसा ट्रस्ट कर सकते. हम पाकिस्तान पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, हम चाइना पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, लेकिन आपस में एक दूसरे स्टेट को तो ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है. ओके, सो दीज आर थिंग्स दैट वी नीड. एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट्स, ठीक है. म्यूचुअल ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी आपके पॉलिसीज निकल रहे हैं वो सबके लिए सहायक होंगे, ऐसा ट्रस्ट का होना, ठीक है, म्यूचुअल ट्रस्ट. एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है. सो द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम फेडरेशन टू अनदर. तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है. कितनी छूट मिली है स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये डिपेंड करता है कंट्री पे, ठीक है. पहली बात तो भाई साहब, फेडरेशन है कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है, और फेडरेशन बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे चल रहे हैं वो अलग अलग तरीकों से डिटरमिन होता है, ठीक है. सो दीज आर थिंग्स दैट आर डिटरमिन्ड डिफरेंशियली. दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म. तो ये डिपेंड करता है किस हिस्टोरिकल ग्राउंड्स पे. जैसे हमारे टाइम पे ब्रिटिशर्स थे, तो काफ़ी सारा आपको गवर्नमेंट में ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस दिखेंगे आपको, ठीक है. सो द बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म. किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में ये फॉर्म हुआ. देर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड, कमिंग टुगेदर, ठीक है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर, ठीक है. तो कमिंग टुगेदर एक साथ, तो ऐसे भाई साहब एक फेडरेशन फॉर्म होता है. सो दिस इज लाइक ऑल दीज स्टेट्स आर कमिंग टुगेदर, दिस इज आवर फेडरेशन. द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. तो जितने भी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे वो सब एक साथ मर्ज हो गए टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, ठीक है. दीज स्टेट्स वेर बींग रूल्ड डिफरेंटली, ऑल दीज स्टेट्स हैड डिफरेंट पॉलिसीज, ठीक है, एंड दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट दैट इज अ कंट्री. सो दैट बाई पूलिंग सॉवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. तो एक साथ भाई साहब मर्ज हो गए, तो अभी भाई साहब ये बड़ा कंट्री बन गया, ठीक है. सो अभी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है. ये हो गया कमिंग टुगेदर. दिस कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया. इन सब जगहों पे ये कमिंग टुगेदर वाला फेडरेशन बनाए, वेर इन द डिफरेंट पार्ट्स हैव एक्चुअली यूनिफाइड टू फॉर्म अ बिगर यूनिट फॉर बेटर सिक्योरिटी, ठीक है. ऑल दीज हैव फॉर्म्ड अ बिगर यूनिट, दे हैव ऑल कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट फॉर बेटर सिक्योरिटी एंड फॉर बेटर. तो ये जितने भी आपको कंट्रीज दिख रहे हैं, लेट्स से USA, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दे हैव कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट.
और ये बिगर यूनिट का फायदा क्या होगा, जितना बड़ा यूनिट होगा उतनी ज्यादा सिक्योरिटी होगी भाई साहब, उतना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। द मोर विल बी द स्ट्रेंथ, द बिगर द यूनिट द मोर विल बी द स्ट्रेंथ एंड द मोर विल बी द सिक्योरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर नेशन। सो दैट इज कॉल्ड कमिंग टुगेदर। ये स्टेट्स पहले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते थे और इनका मैनेजमेंट भी इंडिपेंडेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे ये सब अलाइन होकर एक बिगर कंट्री को फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म अ बिगर स्टेट और अ बिगर नेशन। ठीक है, हाँ, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट लाइक दिस, यूनाइटेड किंगडम इज नॉट लाइक दिस। हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड किंगडम में क्या है। ठीक है, इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर एंड अ स्ट्रॉन्ग। तो इसमें देखिए स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया है, स्टेट्स बोले कि चलो भाई साहब हम कंट्री बनाते हैं, वरना हम तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमको एक बड़ा दायरा मिले, ठीक है, इसलिए हम कंट्री बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया, तो स्टेट्स क्या बोलेंगे कि हैव इक्वल पावर, इनका भाई साहब इक्वल पावर है एंड स्ट्रॉन्ग विज अविज द फेडरेशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इनका एक इक्वल पावर है, दी स्टेट्स हैव एन इक्वल पावर। ठीक है, तो जितने भी ऐसे फेडरेशन बने हैं जो कमिंग टूगेदर से बने हैं उनके स्टेट्स में इक्वल पावर है, उन सब में इक्वल पावर है, उन्होंने पावर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। ऑब्वियसली उन्होंने पावर को ये किया है ना कि चलो हम बड़ा फेडरेशन बनाते हैं, हम बड़ा यूनिट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है, वी विल टॉक अबाउट होल्डिंग टुगेदर लेटर ऑन टुमारो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।